हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 का लेसन 6। ये आखिरी लेसन होने वाला है जिसका नाम है एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल ग्रोथ। तो देखिए, इस चैप्टर में हम मेडिवल चाइना के बारे में पढ़ने वाले कि वहाँ पे एग्रीकल्चरल ग्रोथ कैसे हुई, वहाँ पे ट्रेड कैसे बढ़ा, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और कल्चर की ग्रोथ कैसे हुई। तो हम ये पूरा जो चैप्टर है चाइना के ऊपर होने वाला है हमारा। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ कैसे हुई मेडिवल चाइना में। और देखिए, अगर हम मेडिवल चाइना की बात करें तो आप ये मान के चलिए हम 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि 7th सेंचुरी में कौन सी डायनेस्टी थी, टैंग डायनेस्टी थी चाइना में। तो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि टैंग डायनेस्टी में जो एग्रीकल्चर है वो कैसा था। तो देखिए, जो टैंग डायनेस्टी थी ना, उसने फार्मिंग पे बहुत ही ज्यादा जोर दिया था, वो खेती को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और उन्होंने ना उसमें कई सारे इंप्रूवमेंट भी करे थे। जैसे कि उन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स बनाई थी, इरिगेशन सिस्टम बनाए थे और कई सारे ना फूड स्टोरेज जो होते हैं ना, जहाँ पे जो अनाज होता है जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, ऐसे कई सारे ना स्टोरेज भी बनाई थी। इन्हें ग्रेन ट्रीज भी बोला जाता है, जहाँ पे जो अनाज होता है, जो ग्रेन होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है। और देखिए, जो टैंग डायनेस्टी थी ना, वो पूरी तरह से फार्मर्स पे यानी पीसेंट्स पे डिपेंड थी। उनके टैक्स से ही ना जो डायनेस्टी वो चला करती थी, क्योंकि जो टैक्स है ना वही जो डायनेस्टी का जो मेन अर्निंग थी, रेवेन्यू था। अब देखिए, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो टैक्स से चलता था, वो भी किसानों के कर से, है ना। तो इसलिए ना किसानों पे ज्यादा जोर दिया जाता था, खेती पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ताकि जो खेती से ना जो ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू वो जनरेट किया जा सके। क्योंकि जितना ज्यादा खेती से रेवेन्यू जनरेट होगा उतना ही टैक्स सरकार को मिलेगा। अब देखिए, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये कैसे खेती किया करते थे। जैसे कि आपको ये देखिए स्टेप्स दिख रहे होंगे सीढ़ियों की तरह, इसमें क्या होता था, जैसे पानी छोड़ा जाता था ना, तो एक के ऊपर जाता था, फिर बहकर नीचे आता था, फिर नीचे आता था, ऐसे करके एक ही बार में बहुत सारे जो खेत है ना उनको इरिगेशन यानी पानी मिल जाता था। तो ये ऐसा करके इन्होंने सिस्टम बना रखा था। दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने मतलब ऐसे जमीने खोदकर बिल्कुल वो कैनाल्स वगैरह बना रखे थे, जहां से पानी के खेतों में आसानी से पहुंच सकता था। और आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े इन्होंने वो ग्रेनरीज बना रखी थी, जहाँ पे इतना सारा खाना स्टोर करके रखते थे। अब देखिए, टैंग डायनेस्टी का जो राजा हुआ करता था वो लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया करता था। मतलब उसको अगर ये पता चलता था कि किसी व्यक्ति के पास जमीन जो है ज्यादा है, तो उससे आधी जमीन लेकर वो किसानों में बांट दिया करता था, ताकि उस जमीन पर भी खेती की जा सके। और इससे क्या करता था, वो जमीन बांटने से जो उनकी पावर है ना वो भी कम हो जाती थी, इससे जो गद्दी पे जो खतरा है ना वो भी कम हो जाता था। अब देखिए, टैंग डायनेस्टी का जो राजा हुआ करता था, उसने कई सारी कैनाल्स बनवाई थी, जैसे कि मैंने आपको इमेज में भी दिखाया था। और उसने कई सारी कैनाल्स ना येलो रिवर के पास में भी बनाई थी, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, इसका कलर देखिए येलो येलो है ना, इसलिए इसका नाम येलो रिवर रखा गया है। और ये चाइना की सबसे मेन रिवर है और इसका ना एक कल्चरल वो भी है, आइडेंटिटी भी है, मतलब इनको ना बहुत ही ज्यादा माना जाता है इस रिवर को। जैसे हमारे यहाँ गंगा है ना, वैसे चाइना में इस येलो रिवर को माना जाता है। तो येलो रिवर के पास में ना इसने कई सारी कैनाल्स वगैरह बनवाई थी, कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत करा था और काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी करी थी। इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी ज्यादा आसान हो गया था, एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से सामान लाया जा सकता था। और साथ में इरिगेशन भी इम्प्रूव हुई थी और साथ में जो फ्लड का जो खतरा हुआ करता था, जो बाढ़ वगैरह का खतरा था, वो भी कम हो गया है ना, इसकी वजह से कभी भी बाढ़ नहीं आई। और देखिए, कैनाल बनवाने से, फूड स्टोर बनाने से, इससे क्या होता है कि जो क्रॉप है ना उसका जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा होने लगा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होने लगी। तो देखिए, कैनाल बनवाने से ना बहुत सारे फायदे होते हैं, एक तो खेतों के लिए पानी मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन करने में आसानी हो जाती है, तो इसकी वजह से ना काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। अब देखिए, हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अब हम देखेंगे ट्रेड का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब देखिए, जो ट्रेड है ना उसका एक्सपेंशन 8th सेंचुरी में हुआ था, 8वीं शताब्दी में जब इसका एक्सपेंशन हुआ था, तो ट्रेड की वजह से क्या हुआ, वहां पे कई सारे जो शहर है वो बसने लगे है ना, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया था और कई सारे जो अर्बन सेंटर्स है वो भी डेवलप होने लगे। अब देखिए, जैसे जैसे जो एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट होने लगा, इसी वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस होने लगा। सरप्लस का मतलब होता है अधिक प्रोडक्शन होना। अब देखिए, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो फिर डिमांड भी क्या है, बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि जो मार्केट की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ने लगी। अब देखिए, जब टैंग डायनेस्टी थी तो टैंग की जो कैपिटल थी उसका नाम था सियान, जिसको चंगयान भी बोला जाता है। तो देखिए, जो टैंग की जो कैपिटल थी सियान, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन रहती थी, क्योंकि आप जानते ही हैं किसी भी देश की जो कैपिटल होती है वहाँ की जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है, तो वहाँ पे करीब 2 मिलियन जो लोग थे ना वो रहते थे। तो बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे बहुत ही बड़ी जो लार्ज पॉपुलेशन है सियान में रहती थी। और देखिए, उस टाइम पे जो ओशियन ट्रेड है और ओवरऑल सी जो ट्रेड हुआ करते थे ना वो काफी ज्यादा फले फूले, क्योंकि देखिए वहाँ पे उन्होंने जो डेवलपमेंट ना बहुत ही ज्यादा कर दी थी। डेवलपमेंट की वजह से वहाँ की जो नौकाएं वगैरह होती थी ना, जो शिप वगैरह हुआ करती थी एक देश से दूसरे
देश जाकर आसानी से अपना व्यापार कर सकती थी और कई सारे उन्होंने ट्रेड रूट्स भी बना रखे थे। इसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है बहुत ही ज्यादा। तो देखिए एक बार आप इमेज को देखिए, जैसे कि आपको ये रेड रेड लाइनें दिख रही हैं, ये वो वाले ट्रेड रूट है तो ये जमीन से किया करते थे, और ये जो आपको नीले वाले ट्रेड रूट दिख रहे हैं ये वो ट्रेड रूट है जो पानी के द्वारा समुद्र के द्वारा करे करते थे। अब देखिए आपको कैंटोन दिख रहा होगा, ये जगह का नाम है, और साउथ ईस्ट के जितने भी कोस्ट एरिया थे ना वो एक पोर्ट का काम करते थे, एक बंदरगाह का काम करते थे। इनकी वजह से क्या हुआ कि अर्बन सेंटर भी इंक्रीज हुआ, अर्बनाइजेशन भी हुआ, क्योंकि देखिए जहाँ पे पोर्ट्स वगैरह बनाए जाएंगे तो वहाँ पे ट्रेड बहुत ज्यादा होगा, वहाँ पे फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते वहाँ पे फिर अर्बनाइजेशन भी होने लगी, वहाँ पे लोग बसना चालू कर दिए। इसकी वजह से वहाँ की जो लोग है ना वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो चुकी थी और बड़े बड़े शहर पोर्ट के पास बसना शुरू हो गए थे। और देखिए जो चाइनीज मर्चेंट थे ना उन्होंने यूरोपियन की तरह वाइटर रोल प्ले करा ट्रेड को एक्सपेंड करने में। उन्होंने क्या करा, ट्रेड का जो नेटवर्क है उसको बढ़िया से अच्छे से स्टैब्लिश करा और जो प्रॉफिट है उसको जनरेट करा, मुनाफा बढ़ाया। अगर देखिए वो मुनाफा बढ़वाते हैं तो किसका फायदा होता है, चाइना का फायदा होता है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो जो चाइनीज मर्चेंट है इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था वो चाइना की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में। और देखिए ये जो चाइनीज मर्चेंट थे ना ये एक देश और दूसरे देश के बीच में ना संबंध को भी मजबूत करते थे, है ना। अगर कोई देश अपने जो व्यापार या दूसरे देश में भेजता है व्यापार करने के लिए तो इससे क्या होता है संबंध और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। अब हम देखेंगे कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का कैसे ग्रोथ हुआ। तो देखिए सबसे पहले तो कल्चरल एक्सचेंज का ग्रोथ हुआ। अब हमने पढ़ा था ना हैंग डायनेस्टी थी, उसके बाद फिर टैंग डायनेस्टी आई, तो हमने पढ़ा कि देखिए हैंग डायनेस्टी और टैंग डायनेस्टी के बीच में बहुत ही ज्यादा जो कल्चरल एक्सचेंज है वो हुआ ईस्ट में और वेस्ट में। ईस्ट कहाँ था, यूरोप में, नहीं ईस्ट था चाइना और वेस्ट था यूरोप। तो इन दोनों के बीच में आइडियाज का, टेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर का, है ना, जितने भी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, जितने भी गेहूं अनाज हुआ करते थे, सिल्क हुआ करता था, तो दोनों डायरेक्शन में एक दूसरे की जो एक्सचेंज था वो हुआ करता था। अब देखिए ईस्ट और वेस्ट में जब कनेक्शन बिल्ड हो गया था, एक्सचेंज का जो भी ट्रेड रूट वगैरह हुआ करते थे वो सब बिल्ड हो गए थे, तो देखिए टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होता था और आइडियाज का भी आदान प्रदान होता था। तो अब आप देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज चाइना में इजाद हुई। तो देखिए उस टाइम पे मेडिवल चाइना में जो चाइनीज सोसाइटी थी वो कोयले का यूज करती थी, है ना, भट्टे वगैरह चलाने में, अगर ईंट वगैरह बनानी होती थी वहां पे भी आग जलाने के लिए कोयले का यूज किया जाता था, और भी कई सारी चीजों में ये कोयले का यूज करते थे। और देखिए उस टाइम पे ना पोर्सिलेन मतलब जो चाइना की जो क्ले मिट्टी होती है ना उसको पोर्सिलेन बोला जाता है, तो उस टाइम में जो पोर्सिलेन प्रोडक्शन होता था ना वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, आपको ये जो मटका दिख रहा है ना ये क्ले से बनाया हुआ है ना, ये चाइनीज लोग क्ले से वो बनाते थे, बर्तन वगैरह बनाते थे, पॉट्स वगैरह, कप वगैरह, है ना, जो भी कटोरी चम्मच जो भी हुआ करता था ये पोर्सिलेन से बनाते थे। तो पोर्सिलेन क्या है, चाइना की जो क्ले मिट्टी है उसको पोर्सिलेन बोला जाता है। और देखिए इनको आयरन को स्मेल्टिंग करना भी आ गया था, ये आयरन से पिघला के उससे औजार बनाया करते थे, तलवारें वगैरह, भाले वगैरह, है ना, जो भी युद्ध का सामान बनाया करते थे। और इन्होंने एग्रीकल्चर में भी काफी ज्यादा एडवांसमेंट हासिल कर ली थी, है ना, ये इनको कैनाल बनाना आ गया था, इरिगेशन करना आ गया था, पानी को कैसे अच्छे से खेतों तक पहुंचाना है वो सब इनको आ गया था। तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है उसमें भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए एस्ट्रोनॉमी में, सिस्मोलॉजी में और नेविगेशन में भी जो चाइनीज सोसाइटी है उसका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो देखिए एस्ट्रोनॉमी वो होती है जब हम आसमान में कोई चीज देखते हैं ना, जो आसमान से स्पेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। सिस्मोलॉजी भूकंप वगैरह से रिलेटेड होती है, जमीन से रिलेटेड, कहाँ पे भूकंप आ रहा है, कहाँ पे जनरेट होगा। नेविगेशन मतलब चांद वगैरह, तारे वगैरह देखकर डायरेक्शन का पता लगाना, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है ना, तो ये सब इनका जो चाइनीज सोसाइटी थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। और देखिए प्रिंटिंग की सबसे पहली शुरुआत ना चाइना से ही मानी जाती है, चाइना में सबसे पहली बार प्रिंटिंग करी गई थी, जहाँ पे प्रिंटिंग का भी, इस टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट कर लिया गया था, और ये पेपर को भी कैसे बनाना है वो उन्होंने ये सीख लिया था। तो देखिए जो चाइनीज इनोवेटर थे ना उन्होंने पेपर कैसे डेवलप करना है, उसका मटीरियल क्या क्या, जैसे कि बार्क यानी जो पेड़ की जो छाल होती है जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, और हेम्प मतलब होता है गांजा, तो गांजे से भी वो पेपर बना लिया करते थे। और देखिए रेज, रेज मतलब होता है ऐसा कपड़ा जो बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है, ओल्ड जो क्लोथ होते हैं ना, जो फटे पुराने कपड़े होते हैं, तो उनकी मदद से क्या करते थे, पेपर बना लेते थे। जो तो देखिए जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि ये पेपर ये कैसे बनाते थे, है ना, ये आपको जो पेपर दिख रहा है ये वो उससे बना हुआ है, गांजे से बना हुआ है ना, हेम्प से बना हुआ है, और ये छाल से बना लेते थे और पुराने कपड़े से पेपर बना लेते थे, वो भी करीब सेकेंड सेंचुरी में। तो उस टाइम पे ना हैंड डायनेस्टी थी चाइना में। तो देखिए इन्होंने पेपर तो सेकंड सेंचुरी में बनाना सीख लिया था, लेकिन अब उसको प्रिंट कैसे करना है वो इन्होंने 10th सेंचुरी में सीखा, और ये चाइना, कोरिया, जापान और यहाँ पे ना ये जो नॉलेज है ना प्रिंटिंग की बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो गई। तो देखिए शुरुआत में ना ये मेटल्स पे ना प्रिंट किया करते थे, मेटल लिया उसको पिघलाया, पतली पतली सीट्स बना दी और उस पे ये कोई चीज रख कर उसको ठोका करते थे, तो उस पे ना मेटल पे छप जाता था, तो ऐसे करके इन्होंने प्रिंटिंग की शुरुआत करी। और फिर देखिए जब इनको प्रिंटिंग करना आ गया तो आप इमेज में देख सकते हैं इन्होंने एक पत्थर लिया, उसमें मतलब बहुत सारे अक्षर को छापा और उसपे क्या करते थे, इंक पोत देते थे, इंक के पोत के पेपर पे छाप दिया करते थे,
ऐसी एक लकड़ी ली, लकड़ी को खोद खोद के इन्होंने कोई अक्षर बना दिया, जो भी इनको छापना था अक्षर अक्षर बना के उस पर पेंट लगाया और छाप दिया। तो ऐसे करके इन्होंने पेंटिंग की शुरुआत करी। और देखिए उस टाइम पे ना वाटर वे प्रोजेक्ट्स पे काफी ज्यादा काम किया गया था, जैसे कि ज़ेंगयू कैनाल बनवाई गई थी, ये भी एक बहुत बड़ी कैनाल थी, और एक वू करके एक स्टेट का नाम है, वहां पर भी कैनाल खुदवाई गई थी। तो मतलब कैनाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चाइना की जो मेडिवल सोसाइटी है ना वहां पर। और देखिए इनके द्वारा जो कैनाल खुदवाई गई थी ना वो चाइनीज एक्सपर्टीज को दर्शाती है और उनकी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के बारे में भी बताती है। और देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो कैनाल थी ना ये सिर्फ एग्रीकल्चर में सपोर्ट नहीं करती थी, बल्कि ये जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक बेनिफिट्स में भी काम करती थी, है ना, ट्रेड वगैरह इस कैनाल से आसानी से हो सकता था, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक आसानी से जो ट्रेड है वो किया जा सकता था और एक सामान को दूसरे जगह पे पहुंचाया जा सकता था। तो ट्रेड में भी मुनाफा हुआ, इकोनॉमी भी बढ़ी और एग्रीकल्चर भी अच्छे से हुआ। और देखिए सबसे पहले जो गन पाउडर है ना वो भी चाइना में ही डेवलप किया गया, और आज के टाइम पे जो हम फायर क्रैकर्स जलाते हैं ना, जो पटाखे वगैरह जलाते हैं, वो भी चाइना में ही डेवलप हुए थे। तो अब देखिए जो गन पाउडर है ना उसका चाइना में ना अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। पहला तो है फायर क्रैकर, है ना, हमें क्या करना है पटाखे जलाने, तो वहां पे गन पाउडर का यूज किया जाता है। और ये फायर क्रैकर क्यों जलाए जाते हैं, जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है तो इसलिए हम फायर क्रैकर जलाते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो चाइना के लोग थे वो इसलिए फायर क्रैकर जलाते थे ताकि जो बुरी आत्माएं, जो इवल स्पिरिट्स हैं वो दूर रहें। और देखिए जब गन पाउडर बना लिया गया था ना, लेकिन उस टाइम पे ना गनों के लिए यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि गन पाउडर तो बन गया, उसके लिए फिर गन भी तो बनानी पड़ेगी, फिर बुलेट्स भी बनानी पड़ेंगी। तो लेकिन उस टाइम पे जो गन वगैरह थी, बुलेट वगैरह थी, उस टाइम पे वो नहीं बनी थी, सिर्फ गन पाउडर का डेवलपमेंट हो गया था। वो तो बाद में जब ट्रेड वगैरह हुआ चाइना से, जो गन पाउडर है यूरोप वगैरह गया और भी विदेशों में गया ना, जब जाके गन वगैरह बनी थी और जब जाके गन पाउडर का यूज गनों में किया जाने लगा था, और जब जाके बड़ी बड़ी तोपे वगैरह बनाई गई थी, जो तोप होगी थी ना उसमें भी गन पाउडर भरा जाता है। अब देखिए मेडिवल चाइनीज सोसाइटी में कई सारी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स की गई थी, जैसे कि कैनाल प्रोजेक्ट्स, कई सारे कैनाल्स वगैरह बनवाए गए थे, और हर फील्ड में एडवांसमेंट किया गया था, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एक्सपोर्ट हो, है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो हर फील्ड में एडवांसमेंट की गई थी। तो मतलब उस टाइम पे जो चाइनीज सोसाइटी थी ना उनको हर फील्ड में एक्सपर्टीज मिल चुकी थी टेक्नोलॉजिकली, उनको सब चीज आ गई थी, कैसे पेपर प्रिंट करना है, कैसे गन पाउडर बनाना है, हर चीज उनको पता चल गई थी। तो उस टाइम पे देखा जाए तो काफी ज्यादा उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था। अब हम देखेंगे कि चाइना में जो कल्चरल ग्रोथ है वो कैसे हुआ। तो देखिए चाइना में जो बुद्धिज्म है ना वो पहली बार जब इंट्रोड्यूस हुआ, जब कुसाना का रूल था, अब ये करीब सेकंड सेंचुरी की बात है। तो चाइना में जो बुद्धिज्म है वो सेकंड सेंचुरी में आया था, और चाइना में ना बुद्धिज्म ने बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी, और स्पेशली जो महायान फिलोसफी है ना उसको सबसे ज्यादा स्प्रेड किया गया। तो आपको जैसे पता होगा जो बुद्धिज्म है ना वो दो हिस्सों में बट गया था, महायान और हीनयान में। तो महायान वो वाले होते हैं जो बुद्धा है ना उनको भगवान मानते हैं, और जो हीनयान वाले होते हैं वो सिर्फ उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, उनको भगवान नहीं मानते, उनको बस ये मानते हैं कि वो एक सिद्ध पुरुष थे, एक व्यक्ति थे। लेकिन जो महायान है वो मानते हैं कि जो बुद्धा थे वो भगवान थे। तो आप अगर आज भी चाइना में जाएंगे तो वहां पे बुद्धा को पूजा जाता है। अब देखिए जो बुद्धिज्म है उसकी अपनी एक अलग यूनिक थ्योरी थी, है ना, तो उसने काफी ज्यादा पर्सनल सेल्वेशन पे जोर दिया, यानी आत्मा को कैसे मोक्ष मिल सकता है उस पर जोर दिया। तो उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी कि आत्मा, हमें आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और उन्होंने पीस पे ज्यादा जोर दिया, शांति पे ज्यादा जोर दिया, प्रोग्रेस पे जोर दिया। और देखिए जो बुद्धिज्म था ना वो हर सोशल क्लास के लिए था, उसमें कोई भी अमीर गरीब या ऊंच नीच का कोई भी मतभेद नहीं था, बुद्धिज्म को कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता था, इसलिए जो चाइना में जो बुद्धिज्म है वो आसानी से स्प्रेड हो गया था। अब देखिए चाइना में बुद्धिज्म का काफी ज्यादा विरोध भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो बुद्धिज्म है वो अपने फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करता गया, फॉलोअर्स जुड़ते गए और सब बुद्धिस्ट बनते गए, इससे चाइना में बुद्धिज्म बहुत ही ज्यादा फैल गया था। और देखिए 5th सेंचुरी तक जो चाइनीज सोसाइटी थी ना वो पूरी तरीके से बुद्धिस्ट बन चुकी थी। अब देखिए जब टैंग डायनेस्टी थी ना, टैंग डायनेस्टी कब थी, 7th सेंचुरी में, तो उस टाइम पे जो बुद्धिज्म है ना वो अपने पीक पे था, मतलब जो बुद्धिज्म है ना इतना फैल चुका था ना, सारे लोग बुद्धा को पूजते थे, वहां पे मानते थे, तो उस टाइम पे जो पीक पे चल रहा था बुद्धिज्म। और उस टाइम पे ना कई सारे स्कूल्स वगैरह भी और ब्रांचेस भी बनाई गई थी जिसमें बुद्धा के बारे में पढ़ाया जाता था, उनकी टीचिंग्स के बारे में भी पढ़ाया जाता था। अब देखिए उस टाइम पे टाओइज्म भी एक धर्म था जो उस टाइम पे चाइना में काफी ज्यादा फेमस हो चुका था, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, आपको जो ये व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम था लाओजी, ये थे फाउंडर थे टाओइज्म के। अब देखिए आपको ये साइन दिख रहा होगा ना, है ना, ये व्हाइट और ब्लैक, आपने ये कई बार कई मूवियों में देखा भी होगा इस साइन को, है ना, तो इसको उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं यिन एंड यांग। तो इस सिंबल की मदद से वो हमें लोगों को बताते हैं कि जो अर्थ है ना एक बैलेंस के ऊपर चल रही है, यहाँ पे ह्यूमन और एनिमल का, जो इंसान है और जानवर है, उनका एक बैलेंस चल रहा है और यूनिवर्स में भी एक बैलेंस चल रहा है। तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी और ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी उस टाइम पे। तो टाओइज्म के भी जो टीचिंग्स है उसको पढ़ाने के लिए कई सारे स्कूल्स खुलवाए गए थे। और देखिए जो टाओइज्म है ना बुद्धिज्म के साथ साथ चल रहा था, क्योंकि बुद्धिज्म पहले से वहां पे एग्जिस्ट करता था, और कई सारी जो टाओइज्म की जो भी टीचिंग्स है ना वो बुद्धिज्म से प्रेरित है।
अगर आप टाओइज्म को थोड़ा जानेंगे पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी काफी सारी जो टीचिंग है ना बुद्धिज्म से ही ली गई है। तो देखिए टाओइज्म ने बुद्धिज्म से प्रेरित होकर अपनी खुद की हायरार्की यानी पदानुक्रम बना रखे थे कि कौन कौन सी पोस्ट पर रहेगा और खुद के ही बिलीफ्स बना रखे थे। अब देखिए जो बुद्धिज्म है और टाओइज्म है दोनों ही रॉयल और पॉपुलर सपोर्ट हासिल कर रखा था उन्होंने, है ना, मतलब दोनों को जो अमीर लोग थे वो सपोर्ट करते थे और दोनों इतने पावरफुल मतलब वो थे अपने आप में धर्म थे जो एक दूसरे की राइवलरी बने रहे, ना दोनों के बीच में टकराव चलता रहता था, लेकिन दोनों इतने ज्यादा पावरफुल थे कि कोई किसी को एलिमिनेट नहीं कर पाया। अगर आप आज के टाइम में भी देखेंगे तो चाइना में आपको ये दोनों धर्म के लोग मिलेंगे। और जैसा कि आपने टाओइज्म का जो साइन देखा होगा, आपने कई सारी जो कुंफू की जो वो मूवीज आती है उसमें देखा होगा, आपको ये साइन दिखाया जाता है, तो इससे पता चलता है कि टाओइज्म आज भी चाइना में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और देखिए चाइना में और भी ज्यादा रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे बुद्धिज्म भी है, टाओइज्म भी है और दो चार और धर्म भी हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा मैंने आपको पिछले चैप्टर में कन्फ्यूशियनिज्म के बारे में पढ़ाया था, तो वो भी चाइना में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए ड्यूरिंग द लेटर टैंग पीरियड, जब टैंग पीरियड डिक्लाइन करने वाला था उस टाइम पे जो कन्फ्यूशियनिज्म है ना वो काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका था। तो देखिए कन्फ्यूशियनिज्म में ना काफी सारे ना एथिकल कोड्स लिखे हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, काफी सारे जो अच्छे काम होते हैं वो सब लिखे हुए हैं। तो ये उस टाइम पे ना कोड ऑफ गवर्नमेंट बन गया था, मतलब गवर्नमेंट इसको फॉलो करती थी, इसके सारे नियम को मानती थी और ये एक टाइप से ना बॉडी ऑफ एथिकल प्रिंसिपल की तरह काम करता था, मतलब इसमें ना सारी चीजें लिखी हुई थी कि एक अच्छे व्यक्ति को क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अब देखिए जो कन्फ्यूशियस थे जिन्होंने कन्फ्यूशियनिज्म को बनाया था वो ना जो स्टेट है वहां पे ना पूजनीय थे, लेकिन जो टाओइज्म और बुद्धिज्म के जो गॉड है ना उनकी तरह पूजनीय नहीं थे। तो जैसे कि टाओइज्म में किसको पूजा जाता है, लाउजी को, और बुद्धिस्ट में बुद्धा को पूजा जाता था, लेकिन वैसे कन्फ्यूशियस को नहीं पूजा जाता था, उसको लोग मानते थे, उसमें श्रद्धा रखते थे लेकिन वैसे आरती वगैरह नहीं उतारते थे उनकी। तो अब देखिए चाइनीज सोसाइटी में टाओइज्म, बुद्धिज्म और कन्फ्यूशियनिज्म ये तीन मेन रिलीजन उस टाइम पे चल रहे थे। तो ये जो चाइना में जो तीनों रिलीजन थे ना ये लोगों को मोरल और एथिकल गाइडेंस देते थे, है ना, उन्हें बताते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अच्छे कर्म बताते थे कि आपको ये अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है आर्ट, स्कल्पचर एंड अदर डेवलपमेंट्स। अब देखिए आपने चाइना की कई सारी बिल्डिंग्स वगैरह तो देखी होंगी, अब हम उनकी वही देखने वाले कि उनके पास क्या क्या आर्ट्स थी, क्या क्या आर्किटेक्चर थे, उनके स्कल्पचर्स कैसे थे, वो जो पोएट्री वगैरह बनाए करते थे अब उनको हम देखेंगे। तो देखिए इनकी सबसे पहली आर्ट है रियलिस्टिक स्कल्पचर्स। तो देखिए जो एंशियंट चाइनीज लोग होते थे वो ऐसी आर्ट बनाते थे बिल्कुल रियलिस्टिक लगती थी, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, आपको इसमें छोटे छोटे जानवर दिख रहे होंगे, है ना, गाय होगी, भैंस होगी, शेर होगा, बकरी वगैरह होंगी, तो ये छोटे छोटे जानवर है ना इनको हम बोलते हैं लाइफ लाइक एनिमल फिगरिंग्स। तो ये ऐसी करके ये जो आर्ट है ये बनाया करते थे उस टाइम पे। अब देखिए चाइनीज आर्किटेक्चर कैसा होता है, तो देखिए वो सबसे पहले इम्प्रेसिव इंग्रेविंग किया करते थे, इसका मतलब होता है प्रभावशाली नक्काशी। तो जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कितनी बढ़िया नक्काशी की हुई है, देखिए पेंटिंग बनाया करते थे ये, और आपको इनका वो दिख रही होगी आर्किटेक्चर दिख रहा होगा, बिल्डिंग दिख रहे होगी बाहर इसमें कैसे नक्काशी की हुई है, अंदर भी बहुत बढ़िया से इसमें नक्काशी की जाती थी। और ये अर्थनवेयर मॉडल्स बनाए करते थे, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है ना ये, जैसे ये इन्होंने ये स्ट्रक्चर बना रखा है, तो ऐसे करके ये घर वगैरह के स्ट्रक्चर बनाया करते थे, जो भी बिल्डिंग वगैरह हुआ करती थी उसका एक छोटा सा मॉडल बनाया करते थे। और ये ना बड़े बड़े चट्टानों को, पत्थर को काट के बुद्धा की ना स्ट्रक्चर बनाया करते थे, जैसे कि आपको ये बुद्धा दिख रहे हैं ना बीच में, ये पूरी रॉक को काट कर बनाया गया है। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो बुद्धिज्म है पूरे चाइना में फैल चुका था, तो जो बुद्धिज्म है ना उसने चाइना की आर्ट को काफी ज्यादा अफेक्ट करा, तो जो भी आपको चाइनीज का जो भी आर्किटेक्चर दिख रहा है, आर्ट दिख रहा है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा आपको बुद्धिज्म का थोड़ा दिखेगा, प्रभाव दिखेगा उसमें। जैसे कि आपको ये मैंने आपको इमेज दिखाई थी ना जो पत्थर काट के बुद्धिस्ट बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म काफी ज्यादा फैला हुआ था। तो देखिए बुद्धिज्म की वजह से इन्हें ना न्यू चैंट्स मिले थे, चैंट्स मतलब मंत्र वगैरह होते हैं, मतलब इनको नए नए मंत्र मिले थे बुद्धिज्म से, और इनको इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले थे, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है ना, ये जो आपको इमेज दिख रही है इसका नाम है पीपा, तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये चाइनीज लोग बजाया करते थे। और देखिए जैसे कि आपको ये ड्रैगन वगैरह दिख रहे होंगे, पुरानी इमेजेस दिख रही होंगी, तो ये जो चाइना के लोग हैं मेनली जो ड्रैगन है ना उसकी इमेज बनाया करते थे, आपको जो भी आप मॉन्यूमेंट देखेंगे उसका आपको ड्रैगन वगैरह देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ये ना ब्रश पेंटिंग भी किया करते थे, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है ना जो पेंटिंग बनाई गई है ये ब्रश से बनाई गई है, और इसके ऊपर कैलीग्राफी भी आपको देखने को मिलेगी, आपको कोने में जो लिखावट दिख रही है ना चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, ये कैलीग्राफी भी पेंटिंग पे किया करते थे। और देखिए जो सिल्क का जो कपड़ा हुआ करता है ना उस पर ये किया करते थे, जैसे कि आपको ये पीली वाली पेंटिंग दिख रही होगी ना, इसको अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे ना कपड़ा है ये, बिल्कुल ये सिल्क के कपड़े पे ये पेंटिंग किया करते थे ब्रश पेंटिंग, और उसी के ऊपर कोने में ये कैलीग्राफी करा करते थे। कैलीग्राफी मतलब होता है सुलेख लिखना, तो मतलब ये पोयम वगैरह भी हो सकती थी, मतलब इमेज में इमेज बना दी और इमेज में ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है वो सब यहाँ कोने में लिख दिया। और देखिए ये पोर्सिलेन की पोएट्री बनाया करते थे, पोर्सिलेन मतलब जो चाइना की क्ले मिट्टी हुआ करती है ना, चाइना की क्ले को पोर्सिलेन बोला जाता है, तो उससे ये कई सारी ना ब्यूटीफुल पोएट्री बनाया करते थे। तो जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कैसे ये बना रहे हैं।
अब देखिए जो पोएट्रीज है ना मोस्टली टैंग पीरियड में लिखी गई थी, जब टैंग डायनेस्टी थी ना उस टाइम पे बहुत सारी पोएट्रीज जो टैंग के जो राजा हुआ करते थे उनके तारीफ में लिखी जाती थी। तो जैसे कि आपको इमेज में दिख रही है ना, तो ये पोएट्री ना टैंग पोएट्री है, भले ही आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो लेकिन ये जो टैंग का जो राजा है ना उसकी तारीफ में ये पोएट्रीज और पोएम्स लिखी जाती थी। तो देखिए इनमें डीप इमोशन हुआ करता था, फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस हुआ करता था और सोशल कमेंट्रीज हुआ करती थी। मतलब जो जनता है टैंग डायनेस्टी, जो चाइना की जो जनता है, जो चाइनीज पीपल है, वो राजा के बारे में क्या कमेंट करते हैं, क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, तो वो सब पोएट्री में ऐड किया जाता था। और देखिए जैसा कि आपको चाइनीज लिटरेरी दिख रही है, मतलब जो भी आपको ये लिखावट दिख रही है ना, इसमें जो मोस्टली जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते हैं और जो ट्रैवल हुआ करते हैं ना उनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि जो मॉन्क्स हुआ करते थे उनको लिखना वगैरह ज्यादा आता था चाइनीज पीपल की तुलना में, और जो ट्रैवल्स हुआ करते हैं ना, ट्रैवलर एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उनका तो काम यही होता है कि दूसरे देश में जाके उनकी कल्चर के बारे में जानना, उनकी संस्कृति को जानना और उनके बारे में लिखना। तो जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे वहां के जो टैंग डायनेस्टी के जो राजा हुआ करते थे उनके बारे में भी पोएट्री लिखा करते थे। अब देखिए जैसे कि टैंग डायनेस्टी में जो पोएट्रीज थी वो फेमस थी, वैसे ही मिंग पीरियड जब चल रहा था तो वहां पे जो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा फेमस था। तो जैसे कि आपको जो इमेज में ये बिल्डिंग दिख रही है, मॉन्यूमेंट्स जो दिख रहे हैं ना, ये जो आर्किटेक्चर दिख रहा है ये सब मिंग पीरियड का है ना, आपको दिख रहे होंगे लाल लाल जो इनका पेंट हो रखा है और ये देखिए कोने पे से इनकी नुक्की निकली हुई है ना, तो ये सब क्या है, मिंग पीरियड के मॉन्यूमेंट और आर्किटेक्चर है। अब देखिए आप सभी ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही होगा, तो ये जो ग्रेट वॉल है ना ये भी मिंग पीरियड के टाइम पे बनाई गई थी, और ये बहुत लंबी दीवार है और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि एनिमी से जो हमारी जो टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और ये कई हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। तो जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा, देखिए ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितनी लंबी आपको दिख रही है मैप में, तो इसकी जो लंबाई है ना करीब 8,850 किलोमीटर है, और ये ऐसा नहीं है किसी मिंग डायनेस्टी में बन गई, इसको बनने में करीब 3 सेंचुरीज लग गई थी, ये 14 में स्टार्ट होकर 17 तक आते आते बनी थी, तो इसको कई डायनेस्टी ने मिलकर बनाया था, तो मिंग डायनेस्टी ने भी इसको रीबिल्ड करा था। तो हर डायनेस्टी ना इसकी हर किलोमीटर बढ़ाती गई, जैसे मिंग डायनेस्टी ने कुछ किलोमीटर बनाया, फिर अगली डायनेस्टी आई उसने फिर कुछ किलोमीटर तक बनाया, तो ऐसे कई डायनेस्टी आकर इसको बहुत ही लंबा करती गई। और देखिए मिंग पीरियड में बहुत सारे गार्डन्स भी बनाए गए थे, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है ना ये चाइनीज गार्डन है, और देखिए इन्होंने गर्मियों के लिए समर रेजिडेंस भी बना रखे थे, तो जैसे कि आपको इमेज में जो बिल्डिंग दिख रही है ना यहाँ पे गर्मी के टाइम पे जो राजा महाराजा थे वो रहा करते थे, तो इस प्लेस का नाम है यौन मिंग यौन, तो ये ओल्ड समर रेजिडेंट्स हैं। और देखिए मिंग पीरियड में पगोड़ा स्टाइल के टेंपल्स बनाए जाते थे, तो अब आप इमेज में देखिए आपको जो इमेज दिख रही है ये पगोड़ा स्टाइल में टेंपल्स बनाए गए हैं और ये बुद्धिस्ट टेंपल्स हुआ करते थे। तो मिंग पीरियड में काफी सारी चीजें बनाई जाती थी, आर्किटेक्चर बनाए जाते थे, गार्डन्स बनाए जाते थे, है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी, कई सारे पगोड़ा टेंपल्स बनाए गए थे, तो उस टाइम पे हमें मिंग पीरियड में काफी सारे मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। और देखिए मिंग पीरियड में हमें फाइन आर्ट देखने को भी मिलता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है ना बिल्कुल इसमें बारीकी से काम किया गया है, तो बहुत ही फाइन आर्ट आपको देखने को मिलेगा मिंग पीरियड में। तो देखिए मिंग डायनेस्टी में आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी और क्रेमिक्स देखने को मिलेंगे, क्रेमिक्स का मतलब होता है जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, जैसे ये बर्तन है बर्नी जार की, ये क्रेमिक्स है, और आपको पोर्सिलियन के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जैसे कि आपको ये मूर्ति दिख रही होगी ये क्ले से बनाई गई है, जो चाइनीज क्ले है जिसको हम पोर्सिलियन बोलते हैं, तो उससे ये मूर्ति बनाई गई है और उससे बर्तन भी बनाए जाते थे। देखिए जैसा कि आपको ये मूर्ति दिख रही है ना पोर्सिलियन की, तो काफी इसमें बारीकी से काम किया गया है, तो इसमें काफी ज्यादा क्राफ्टमैनशिप देखने को मिलती है। तो जो उस टाइम के जो आर्टिस्ट हुआ करते थे ना, उन्होंने पेंटिंग में, मूर्ति कला मतलब मूर्तियां बनाने में, पेंटिंग्स बनाने में काफी ज्यादा महारत हासिल कर ली थी और वो काफी बारीकी से अपना काम किया करते थे। अब देखिए मिंग डायनेस्टी में लिटरेचर में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो देखिए आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, आपके जो कॉपी किताबें दिख रही है ना ये मिंग डायनेस्टी की है, आपको दिख रहा होगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखिए आपको याद होगा जब मैंने पिछली वीडियो में आपको मिंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि वहाँ पे सिविल सर्विस एग्जाम भी हुआ करते थे, तो एग्जाम की वजह से यहाँ पे ना काफी ज्यादा लिटरेरी डेवलपमेंट किया गया था, वहाँ पे कई सारी किताबें भी छपी थी और सब में बढ़ती भी थी, तो वहाँ पे जो सिविल सर्विस के जो एग्जाम देते थे वहाँ के लोग वहाँ पे किताब पढ़ा करते थे। और देखिए 4 Books and 5 Classes नाम की भी एक किताबें थी जिनको कंपाइल किया गया था, जैसे कि आपको इमेज में दिख रही होंगी ये जो आपको 5 किताबें दिख रही है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताबें हुआ करती थी, क्योंकि इसमें पुराने अक्षरों में कंफ्यूशियस के जो भी टीचिंग्स है ना वो लिखी जाती थी, इसमें मतलब कंफ्यूजनिज्म के बारे में बताया गया है। तो देखिए 5 क्लासेस के बारे में तो कंफ्यूजनिज्म के बारे में बताया गया, जो बाकी जो 4 Books है ना उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज और पोएम्स लिखी हुई हैं, जैसे कि एक फेमस है इसका नाम है जर्नी टू द वेस्ट, इसके ऊपर तो पूरी की पूरी एक मूवी बन रखी है, शायद आप में से बहुतों ने देखी भी होगी, तो इसी बुक से वो जर्नी टू द वेस्ट वो पूरी मूवी बनी हुई है। और बाकी की जो 3 Books है उसका नाम है आउटलो ऑफ द मार्स, रोमांस ऑफ द 3 Kingdoms एंड ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर, तो ये जो 4 बुक है ना इसमें काफी इंपॉर्टेंट स्टोरीज और पोएम्स लिखी हुई है। अब देखिए मिंग डायनेस्टी में जो इंपीरियल कोर्ट हुआ करती थी यानी शाही दरबार हुआ करता था, वो लिटरेरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता था,
और जितनी भी ऐसी जो महान महान स्टोरीज पोएट्रीज लिखी जाती थी इनको संभाल कर रखा करता था। अब हमारा अगला टॉपिक है फ्योडल डेवलपमेंट्स इन चाइना। तो फ्योडलिज्म तो मैंने आपको पहले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा रखा था, फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। फ्यूडलिज्म में क्या होता है कि जो राजा होता है वो फ्यूडल लॉर्ड्स को अपॉइंट करता है ना, उनको अपनी जमीन का बांट देता है, और फिर जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं मजदूरों से किसानों से वो जमीन पर काम करवाते हैं और उनसे टैक्स लिया करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि चाइना में जो फ्यूडलिज्म है ये इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो देखिए, चाइना में जो फ्यूडलिज्म था वो किन डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ था और किंग डायनेस्टी तक रहा। अब देखिए, जो किन डायनेस्टी थी वो करीब 3rd सेंचुरी में थी, और जो किंग डायनेस्टी ये कम से कम 20th सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी तक रही थी। तो आप देख सकते हैं 2nd सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक जो फ्यूडलिज्म है वो चाइना में रहा था। अब देखिए, जैसे कि यूरोप में फ्यूडलिज्म मतलब वो फ्यूडल सिस्टम होता है ना पूरा, तो वैसे ही चाइना में जो फ्यूडल सिस्टम है उसको बोला जाता है फैंग जियान सिस्टम। तो ये भी एक सिस्टम हुआ करता है जिसमें ना बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, जो रैंक ऑफिशियल्स होते हैं, उनको लैंड दिया जाता है। तो बड़ी बड़ी जमीनें दी जाती थी, इन जमीनों में क्या करते वो इंजॉय कर सकते थे, मजदूरों से काम करवा सकते थे और टैक्स ले सकते थे। अब देखिए, जो चाइना में ना फ्यूडलिज्म 3 प्रकार का देखा गया है, मतलब पहले से ही वो अस्तित्व में थे, जैसे कि एनफोर्समेंट, द काउंटी एंड प्रीफेक्चर सिस्टम। तो ये पहले से ही 3 सिस्टम है जो फ्यूडलिज्म ये चले आ रहे थे। तो अब देखिए, जो एनफोर्समेंट है इसका मतलब होता है कि जो शासक होता है, जो राजा होता है, वो अपनी जमीन ऐसे ही किसी को दे देता है, ऐसे गिफ्ट में दे देता है, या कोई बड़े रैंक का अधिकारी उसको दे देता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं एनफोर्समेंट, यानी जमीन को दान में दे देना। वहीं पर अगर हम काउंटी की बात करें तो जैसे कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला होता है, वैसे ही चाइना में काउंटी होता है और प्रीफेक्चर मतलब प्रांत होता है। तो ये जो सिस्टम था ना ये उसके लिए था, मतलब गवर्नमेंट को चलाने के लिए। गवर्नमेंट कैसे चलेगी, काउंटीज बनाए जाते थे, प्रीफेक्चर सिस्टम बनाए जाते थे ताकि गवर्नमेंट चल सके। अब देखिए, जो बड़े रैंक के अधिकारी होते थे उनको तो लैंड ऐसे ही मिल जाता एनफोर्समेंट के चलते। और देखिए, सेंट्रल अथॉरिटी को मजबूत करने के लिए, मतलब राजा को जो शासन है उसको मजबूत करने के लिए, तो लैंड है ना उसको काउंटीज और प्रीफेक्चर्स में बांट दिया जाता था, मतलब छोटे छोटे जिलों में बांट दिया जाता था ताकि जो शासन करने में आसानी हो, है ना। और उस पर फिर एक जो जमीन, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना, वैसे उन जमीनों पर का हेड बनाया जाता था, तो वो जमीन का फिर शासन प्रणाली देखा करते थे। तो इससे क्या होता था, जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो मजबूत होती थी। अब देखिए, जब चाइना में फ्यूडलिज्म था तो इसकी वजह से क्या हुआ, कल्चरल डाइवर्सिटी भी हो गई और इसी के साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हुआ। अब देखिए, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो हैन डायनेस्टी थी जब वो खत्म हो गई थी, तो उसके बाद टैंग डायनेस्टी आई थी। तो जब टैंग डायनेस्टी आई थी वो 7th सेंचुरी में आई थी, जो हैंग थी वो 2nd सेंचुरी में ही खत्म हो चुकी थी। तो बीच का जो पीरियड था ना उस टाइम पे कोई भी राजा नहीं था, तो ऐसे में क्या था कि जो सारे स्टेट थे ना वो फ्री थे, आपस में आजाद थे, इंडिपेंडेंट थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सारे राज्य इंडिपेंडेंट थे, तो वो उनके अलग अलग आइडियाज थे, अलग अलग फिलोसफी थी, उनकी वजह से क्या हुआ कि काफी ज्यादा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो आ गई थी। अब देखिए, सारे स्टेट अगर आपस में आजाद थे तो उनके बीच में कंपटीशन भी बढ़ गया था, है ना, और उनके बीच में सोसाइटल ग्रोथ भी देखने को मिली थी कि मतलब सारे स्टेट ना आपस में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कम्पीट कर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब आपस में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे तो अपने आप को भी बेहतर बना रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल टैलेंट है ना वो भी निखर कर आया, वो भी काफी फला फूला। लेकिन देखिए, जो फ्यूडलिज्म है ना उसने नेशनल यूनिटी और सेंट्रलाइज्ड रूल को चैलेंज किया, क्योंकि देखिए फ्यूडलिज्म होता है तो सबके पास ना जमीनें होती हैं, सबके पास अलग अलग पावर होती है, सारे लोग बटे हुए होते हैं, तो ऐसे में यूनिटी, आपस में यूनिटी बनाए रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक सेंट्रलाइज रूल होना है ना, जब कोई राजा बनता है तो सारी पावर उसके हाथ में होती है, लेकिन उस टाइम पे कोई भी राजा नहीं था ना, सारी पावर बटी हुई थी, तो ऐसे में भी सेंट्रलाइज रूल को चुनौतियां मिली थी फ्यूडलिज्म की वजह से। अब देखिए, फ्यूडलिज्म के टाइम पे कई सारे स्कूल भी बनाए गए थे। अब देखिए, फ्यूडलिज्म की वजह से जो कल्चरल डाइवर्सिटी हुई थी ना, तो इसकी वजह से स्कूल भी ना काफी ज्यादा डाइवर्सिटीफाइड हो गए थे, है ना, हर स्कूल में अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती थी। अब देखिए, उस टाइम पे पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, मतलब कोई भी, मतलब किसी राजा का शासन नहीं था, सारी पावर बटी हुई थी, तो ऐसे में स्कूल पे भी कोई दबाव नहीं था कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है, स्कूल पे कोई भी फोर्स नहीं था, वो जो चाहे पढ़ सकते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हुआ, मतलब बौद्धिक विकास हुआ, अब वो कोई भी दिमाग से रिलेटेड काम कर सकते थे, सोचने समझने का, खोजबीन का काम। तो ये सारा जिससे भी दिमाग का यूज किया जाता है ना, बौद्धिक काम किए जाते हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल उनका डेवलपमेंट किया गया, और इसमें ना उन्होंने कई सारी अचीवमेंट्स भी हासिल करी। तो देखा जाए तो फ्यूडलिज्म का जो स्कूल पे ना काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब देखिए, किन एंड हैन डायनेस्टी जब थी ना, कब थी ये, 2nd सेंचुरी में थी, तो वो जो पीरियड था ना वो नॉन फ्यूडल एरा था, मतलब सामंतवाद उस टाइम पे नहीं था। तो इसकी वजह से ये देखा गया कि वहां से जो भी हमें लिटरेरी जो सामान मिला है ना, मतलब साहित्यिक जो सामान मिला है, उसमें ये बताया गया कि उस टाइम के जो हैन डायनेस्टी थी, किन डायनेस्टी थी, वो लोगों पे ना राज किया करती थी, वहां पे फ्रीडम नहीं थी, जो मतलब राजा चाहेगा वही होता था, है ना, तो उस टाइम पे फ्यूडलिज्म नहीं था। तो इसकी वजह से ना सारी पावर किसके पास थी, राजा के पास थी, तो वो पूरा कंट्रोल करता था स्टेट के ऊपर। तो मतलब हमें यहाँ पे ये बताया गया कि फ्यूडलिज्म की वजह से लोगों को ना आजादी मिलती है।
क्योंकि अगर सारी पावर एक राजा के हाथ में होगी तो वो अपनी मनमानी करेगा, जैसे कि हैन डायनेस्टी में हुआ था। तो फ्योडलिज्म के बाद क्या हुआ था कि सारी पावर आपस में बटी हुई थी, लोग अब आजाद थे, अब वो कुछ भी अपने मन से कर सकते थे। अब देखिए, जो सेंट्रलाइज्ड मोनार्चियल सिस्टम था उसने काफी सारे नोटेबल एडवांसमेंट किए थे। सेंट्रलाइज्ड मोनार्चियल सिस्टम का मतलब है जब केंद्रीकृत राजशाही होती है, जब एक राजा का रूल होता है। जब एक राजा का रूल होता है तो उस टाइम पे काफी एडवांसमेंट होती है, क्योंकि देखिए अगर फ्यूडलिज्म होगा, सारी पावर बटी होगी, तो कोई अगर देश के लिए एक डिसीजन लेना है तो उसको लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, है ना। एक जगह लागू होगा, दूसरी जगह लागू नहीं होगा। लेकिन सारी पावर सेंट्रलाइज्ड है, किसी एक व्यक्ति के पास है, तो राजा जो चाहे वो कर सकता है ना। तो काफी सारे एडवांसमेंट करने में राजा का हाथ होता है, जैसे कि स्टैंडर्डाइज्ड करेक्टर, लार्ज स्केल कंप्लीलेशन एंड कल्चरल यूनिफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहला एडवांसमेंट क्या था, स्टैंडर्डाइज्ड करेक्टर्स। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे इंडिया में कई सारे टाइप के लोग रहते हैं, कोई बंगाली है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है ना, कोई बिहारी है। तो हमें ये कैसे पता चले कि ये मराठी है, ये बंगाली है, ये बिहारी है ना, उनकी लैंग्वेज से, उनकी भाषा से, उनके साहित्य से, है ना। तो ऐसी जो वहाँ के जो राजा थे ना, उसने क्या करा कि सारे लोगों के टाइप देखे, कौन से लोग क्या भाषा बोलते हैं, को क्या लिखते हैं, तो उनको फिर एक करेक्टरिस्टिक दे दिया कि ये इस ये टाइप के लोग हैं, ये टाइप के लोग हैं, तो सबको एक करेक्टर दे दिया। तो जैसे कि यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग थे ना, कोई बुद्धिज्म है तो उनको बोल दे कि आप बुद्धिज्म हो, बुद्धिस्ट हो, है ना। एक कोई टॉइज्म को मानता है तो आप टॉइस्ट हो, है ना। कोई कन्फ्यूशियनिज्म को मानता है तो वो कन्फ्यूस्ट है। तो ऐसे करके अलग अलग उसको स्टैंडर्डाइज्ड करेक्टर दे दिए थे। फिर राजा ने क्या करा, लार्ज स्केल कंपाइलेशन। अब देखिए, हर चीज का कोई ना कोई प्रोसेस होता है, तो उसने मतलब सारी चीज, जो बड़ी बड़ी चीज फैली हुई थी ना, सबको एक ही प्रोसेस कर दिया गया। जैसे कि जैसे आधार कार्ड हम बनवाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है ना, वेबसाइट से जाके ऐसे से भरवाना है, तो जितने भी अलग अलग टाइप के लोग हैं वो सारा एक ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो ऐसे वहां पे जितने भी बड़े बड़े प्रोसीजर जो अलग अलग काम हुआ करते थे, उन लार्ज स्केल के काम को उन्होंने एक साथ कंपाइल कर दिया ताकि सारे लोग एक साथ वो काम कर सके। और फिर देखिए उन्होंने क्या करा, कल्चरल यूनिफिकेशन यानी सांस्कृतिक एकीकरण। तो देखिए, जैसे कि हम सारे लोग अलग अलग है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई बंगाली है, लेकिन सब क्या है, भारतीय है ना, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, सब क्या है, भारत के देशवासी हैं। तो वैसे चाइना का जो राजा था, सारे लोग क्या आपस में बटे हुए थे, तो उनका क्या कल्चरल यूनिफिकेशन करा, उन सबको एक साथ उन्होंने जोड़ा, तो सभी धर्मों के लोगों का उन्होंने एकीकरण करा। अब देखिए, भले ही राजा के पास कितनी भी पावर हो, लेकिन अगर वो अपने जो नियम है ऐसे सिस्टम पे डाले जो जिसमें पैट्रियार्कल क्लैन सिस्टम चलता हो, तो ऐसे में जो प्रोसेस है उसको होने में दिक्कत आ सकती है। अगर थोड़ी आसान भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए कोई राजा है, उसने कोई भी नियम पास कराए कि मान लो ये जमीन हमें चाहिए, सेना के लिए चाहिए, है ना ये जमीन, तो ऐसे में उसको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहां का जो भी क्लैन है, वहां का कोई भी समाज है, वहां पे पैट्रियार्कल है, मतलब पितृसत्ता है, वहां पर कोई एक उसका मुखिया है, सब उसी की बात मानते हैं। अगर वो मुखिया मना कर दे कि हम ये जमीन नहीं देंगे, तो उसके जितने भी आसपास के जितने भी लोग हैं ना उसके कबीले के, वो एक साथ हो जाएंगे कि हम आपको ये जमीन नहीं लेने देंगे। तो ऐसे में जो राजा का जो भी काम है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी वर्क है, उस काम में धीरे आ सकती है ना, रुकावट आ सकती है। तो देखिए, ये चीज हम वेस्टर्न यूरोप के कैपिटलिज्म में भी देख चुके हैं और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी देखा है। अगर देखिए आपको समझ नहीं आया तो आपको फिर से एक बार और समझाता हूँ। मान लीजिए राजा को एक नहर बनानी है ना, कैनाल बनवाना है। अब मान लीजिए वहां की जमीन चाहिए, लेकिन वहां पे किसी एक समुदाय का वहां पे कंट्रोल है ना, वहां पे कोई एक उनका हेड है ना। तो अगर मान लीजिए हेड मना कर देता है, तो सब जो समुदाय के लोग हैं उनके साथ हो जाएंगे और राजा को उसके काम में रुकावट पैदा करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो काम का जो भी प्रोसेस है, वर्क का जो भी प्रोसेस है ना, उसमें काफी ज्यादा रुकावट आ जाती है। फिर राजा को क्या करना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, अगर मान जाते तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको सेना वगैरह भेजनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे करके जो पैट्रियार्कल क्लैन सिस्टम होता है ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी प्रोसेस है वर्क है, उसमें रिस्ट्रिक्शन डालता है, रुकावट डालता है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है और मेडिवल सोसाइटी भी कंप्लीट होती है। तो आई होप मैंने आपको जितना ही पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और PDF चाहिए तो आपको सारी टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।